वेलकम बैक। देखिए, मैथमेटिकल मॉडलिंग हम लोग वन बाय वन कर रहे हैं, और इससे पहले मैंने आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स आपको बता दिए, एज स्ट्रक्चर ग्रुप मॉडल बता दिया, तो आप वो सब भी जाकर जरूर देख लेना। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे आज मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ इपिडेमिक थ्रू सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। इसको हम लोग क्या है कि इपिडेमिक मॉडल भी बोलते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पर्पज से, और इससे तो एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप थोड़ा इसको अच्छे से देखोगे तो आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा और आप समझ भी जाओगे। ओके, इसमें देखो, इसमें क्या होता है हमारे पास में इपिडेमिक मॉडल में, हम लोग इसमें ये बात करते हैं कि कोई बीमारी है। ओके, तो बीमारी जब भी आती है तो उसको हमको दूर करना होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या होता है जो है एक मॉडल तैयार करते हैं कि किस तरीके से जो है जो इन्फेक्शन रेट है उसको कम किया जा सकता है। ओके, तो इसमें दो तरह की चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक होता है हमारे लिए, हम लोग पर्सन को दो कैटेगरी में बांटते हैं, जो स्वस्थ है उससे तो हम लोग ठीक है, हेल्दी को हम लोग अलग कर देते हैं कि हेल्दी वाले से टेंशन नहीं है। ओके, बट हेल्दी के बाद जो दो और पर्सन होते हैं, एक तो आपका होता है ससेप्टिबल पर्सन, मतलब कि जिसको बीमारी होने का जो है डर रहता है कि उसको भी ये हो सकता है, ठीक है, दोज हु कैन गेट ए डिसीज। ओके, उसको हम लोग बोलते हैं ससेप्टिबल्स। ओके, और एक तो आपका होता है इन्फेक्टेड पर्सन, जिसको कि ऑलरेडी बीमारी है। बात फॉलो कर रहे हैं ना? तो हम लोग यहाँ पे ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इन दोनों को अच्छे से रिकवर कर लें, माने इन्फेक्शन मेरा बढ़े नहीं, ससेप्टिबल में ज़्यादा ये ना जाए, और जो इन्फेक्शन है वो इन्फेक्टेड पर्सन से ही वो हट जाए, तो आप सक्सेस कर जाते हो। तो इस मॉडल में हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं। सो लेट अस कंसिडर ST and IT। एस फॉर ससेप्टिबल, तो मैंने एस टी ले लिया, और आई टी ले लिया, बी द नंबर ऑफ ससेप्टिबल, दैट मीन्स हु कैन गेट ए डिसीज, एंड इन्फेक्टेड पर्सन हु कैन हैव ऑलरेडी गॉट द डिसीज। यानी यहाँ पे बहुत सिंपली आपको नजर आ रहा है कि एस टी मेरा पॉपुलेशन साइज है किसका, ससेप्टिबल पर्सन का, और जो आई टी है, आई टी मेरा पॉपुलेशन साइज है ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन का, राइट। अब हम ये सपोज कर लेते हैं इनिशियल बाउंड्री कंडीशन के, लेट इनिशियली देयर बी एन ससेप्टिबल एंड वन इन्फेक्टेड पर्सन इन द सिस्टम। मान लो पूरे सिस्टम में, पूरे पॉपुलेशन में मेरा क्या है, जो ससेप्टिबल पर्सन है वो एन है, उनकी तादाद एन है, और जो इन्फेक्टेड है वो ओनली वन है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो, चूंकि ये इनिशियली बात किया गया है, तो इनिशियली का मतलब क्या होता है कि टाइम टी इक्वल टू जीरो पे बात कर रहे हैं, राइट। अब जो अभी हमारा पॉपुलेशन साइज है वो टाइम पे डिपेंड करता है, तो आप सिंपली बोल सकते हो कि एस जीरो, यानी इनिशियली क्या होगा, एस जीरो एन होगा, इन नंबर ऑफ ससेप्टिबल पर्सन को हमने सपोज किया है, और आई जीरो क्या होगा, आई जीरो वन होगा, चूंकि हम लोगों ने इन्फेक्टेड पर्सन को सिर्फ वन लिया है, यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो अब दोनों को अगर हम लोग ये कर लें, ऐड कर लें, ठीक है, तो एस टी प्लस आई टी क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एन प्लस वन। ओके, अब देखो आगे, अगर हम लोग ये देखते हैं कि द नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन ग्रो एट ए रेट प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ ससेप्टिबल एंड इन्फेक्टेड पर्सन। बात देखिएगा ना, ये जो इन्फेक्टेड पर्सन है, तो इन्फेक्टेड पर्सन का जो तादाद है वो कैसे बढ़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको अच्छे से लिखना, क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन ग्रोज एट ए रेट प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ ससेप्टिबल एंड इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। क्योंकि देखो, हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल में पहले भी पढ़े हैं ना कि जो ग्रोथ होता है तो वो जिस पे भी डिपेंड करेगा उस पे प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो जो इन्फेक्शन है वो इन्फेक्टेड पर्सन पे भी डिपेंड करता है, और ससेप्टिबल भी, इसलिए कि जो ससेप्टिबल है उस पे भी वो बीमारी जा सकती है, राइट। बात समझ में आ रही है ना? तो इसलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन है उसका जो रेट है वो कैसे चेंज करेगा, तो वो पॉजिटिवली चेंज करेगा, ठीक है, बाई प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ ससेप्टिबल एंड इन्फेक्टेड पर्सन। तो यानी कि आप सिंपली जो DI/DT लिखने वाले हो, रेट ऑफ चेंज इन इन्फेक्टेड पर्सन, ये जो मेरा होगा ये क्या होगा, ये होगा एस के भी प्रोपोर्शनल होगा और आई के भी प्रोपोर्शनल होगा। अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए आप एक कॉन्स्टेंट लगा दो, तो ये हो गया बीटा। बात फॉलो कर रहे हैं? अच्छा, आगे फिर क्या है, एंड नंबर ऑफ ससेप्टिबल पर्सन डिक्रीजेज एट द सेम रेट सो दैट वी गेट द सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप बात ध्यान दीजिएगा ना कि जिस रेट से आपका इन्फेक्टेड पर्सन बढ़ रहा है, डेफिनेटली जो मेरे पास में जो ससेप्टिबल पर्सन है तो वो उनका रेट उसी हिसाब से घटेगा। बात बिल्कुल क्लियर है? क्योंकि भाई जो भी ससेप्टिबल पर्सन थे वो इन्फेक्शन वाले में शामिल होते जा रहे हैं, जो मेरा ससेप्टिबल था, ठीक है, वो क्या है, अगर
तेजी से ग्रो करता है इन्फेक्शन, तो वो तेजी से इन्फेक्शन वाले में शामिल होता जाएगा, यानी वो इन्फेक्टेड होते जाएंगे। तो अब जो ससेप्टेबल पर्सन का क्वांटिटी रह जाएगा वो क्या रह जाएगा, कम रह जाएगा। तो ये डिक्रीज करेगा बिल्कुल उसी रेट से जिस रेट से आपका इन्फेक्शन का जो रेट है वो बढ़ रहा है। बात फॉलो कर रहे हो ना, बिल्कुल कॉमन सी बात है। यहाँ पे देखो तो यही बातें लिखी हुई है, जब आप डी एस बाई डी टी लोगे, चूंकि ये घट रहा है तो ये माइनस बीटा एस आई होगा, ये आपका क्या होगा, ये आपका बीटा एस आई होगा। बीटा आपका यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और एस और आई तो आप समझ ही रहे हो क्या है, ठीक है। ये आपका एस और आई दोनों यहाँ पे आपका पॉपुलेशन साइज है ससेप्टेबल और इन्फेक्टेड पर्सन का। आज चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या, ये तो हो गया, जब हम लोग दोनों को ऐड करते हैं, सो दैट के दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे, डी एस बाई डी टी राइट, डी एस बाई डी टी प्लस डी आई बाई डी टी, तो ये आपका जीरो आ जाएगा। और अगर ये जीरो आता है तो यहां से इंटीग्रेट करने से क्या आ जाएगा, एस टी प्लस आई टी, एस टी प्लस आई टी क्या आ जाएगा, आपका कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। ये कांस्टेंट क्या है मेरा, एन प्लस वन है, जो हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं राइट। अब यहां से अगर मैं अलग अलग करूं तो डी एस बाई डी टी को मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा। तो डी एस बाई डी टी को अगर मैं निकालना चाहता हूं एक्चुअली इसका फिगर कि क्या रह जाएगा टाइम टी में, तो उसके लिए मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगा, तो डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, क्या था आपका माइनस बीटा एस आई था ना, तो हम लोग माइनस बीटा एस को रहने देंगे और आई को इस इक्वेशन से हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका इक्वेशन क्या बना है, एस प्लस आई इज इक्वल टू सी, तो आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई को मैं लिख सकता हूँ सी माइनस एस, ओके। अच्छा ये सी क्या है, सी आपका एन प्लस वन है कॉन्स्टेंट, तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं इसको, एन प्लस वन माइनस एस। तो मैं आई को हटा करके आई के प्लेस पे क्या लिख देता हूँ, एन प्लस वन माइनस एस, ठीक है, लिख दिया इसको मैंने। अब ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो हमको जो है एस एज ए फंक्शन ऑफ टी मिल जाएगा। इसी तरीके से डी आई बाई डी टी देखो, तो इसमें हम लोग बीटा को आई को रहने देंगे और एस को यहां से हटाएंगे इसी इक्वेशन का यूज करते हुए, तो लिख सकते हैं एन प्लस वन माइनस आई, तो ये आ जाएगा। तो सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है, कोई मुश्किल नहीं है, आप बहुत इजिली बना पाओगे राइट। अब इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सोल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा एग्जैक्टली आपको जो है पॉपुलेशन साइज मिल जाएगा ससेप्टिबल और इन्फेक्टेड पर्सन का। यहाँ पे देखो ये मिलता है, अब ये आपको खुद से करना होता है, ये आपको दिया नहीं रहता बुक में, ठीक है। हर जगह हर चीज देख देख के उतारना नहीं है मेरे को, हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को कुछ चीजें जो है वो खुद से करनी है, ठीक है। चलिए तो कैसे करेंगे इसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ से मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, ठीक है। सपोज करो मेरे को इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है, इसको कैसे करेंगे, तो आप सिंपली सिंपल सेपरेबल से काम कीजिएगा, डी एस बाई ऐसे लिख लीजिए एस एन प्लस वन माइनस एस राइट, इस वाले को एक तरफ कर लीजिए और माइनस बीटा डी टी को एक तरफ कर लेते हैं राइट। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने के लिए आपको पता है लॉजिक के कैसे करना पड़ता है, तो मैं ऊपर में लिख देता हूँ एन प्लस वन माइनस एस और कर देता हूँ प्लस एस राइट, और नीचे में हो जाएगा मेरा एस एन प्लस वन माइनस एस, ऐसा हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो ऊपर में क्या चेंज आ रहा है, एस एस तो कैंसिल होगा, तो आपका वन बाई एन प्लस वन जो कि एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है वो मेरा ऊपर में बच रहा है, तो उसको डिवाइड करते ही ये क्या होगा, बरोबर हो जाएगा। अब बिल्कुल हम इसको ऐसा कर सकते हैं, ये सब आप बहुत बचपन से करते आ रहे हो, ठीक है। मैथ आपका तो इंटीग्रेशन क्या है, अपना घर द्वार है, ऐसा मैं कहता हूं कि आपका भाई घर है, दरवाजा है, तो इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं होने वाला राइट। बात फॉलो कर रहे हैं, चलो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कर लेता हूँ, कॉन्स्टेंट लगाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इनिशियल और फाइनल वैल्यू पता है, तो मेरे को ये पता है कि इनिशियली क्या था, इनिशियली जो ससेप्टिबल पर्सन हम लोगों ने लिया था वो एन लिया था, तो इसको मैं एन से इंटीग्रेट करूंगा और फाइनली ले लेता हूं एस पे पहुंचेगा, ठीक है। तो आपको अब यहाँ पे कांस्टेंट लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो टी को भी आप क्या ले लोगे, टी को भी आप ले लोगे जीरो से टी। बात फॉलो कर रहे हैं ना, और कांस्टेंट भी लेंगे तो बाउंड्री कंडीशन लगाते इनिशियल वाला, तो यही आता, ठीक है। तो दोनों तरह का आपके पास में उपाय रहता है, आपको पता है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो वन बाई एन प्लस वन, अब यहाँ पे आप सिंपली जो है बाइफरकेट कर दोगे अलग अलग, तो क्या आ जाएगा, देखो जी बहुत इजीली आ जाता है। एक तो आपका पहले टाइम में नीचे मैंने क्या लिख दिया, नीचे थोड़ा सा ढंग से लिखिए, नीचे कुछ मिस्टेक, करेक्ट हो गया। तो अब देखो पहले ये डिवाइड कर देंगे, तो आपको सिंपली बचेगा डी एस बाई एस, क्या बचेगा जी, डी एस बाई एस, और फिर एस से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या बचेगा, आपको बचेगा एस एस कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बचेगा डी एस बाई एन प्लस वन माइनस एस, ये बचता है रिस्पेक्टिवली, ओके। इधर आपका माइनस बीटा टी आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि वन बाई एन प्लस वन है, और ये आपका हो जाता है क्या, एल एन एस, ओके। और इसका इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, तो इसका आपका आ जाएगा माइनस ऑफ लॉग एन प्लस वन माइनस एस, क्योंकि यहाँ पे एस माइनस में है तो इसलिए माइनस आएगा। बात फॉलो कर रहे ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस बीटा टी,
अब आप चाहो तो माइनस को कॉमन ले सकते हो और लॉग का एक प्रॉपर्टी लगा दो, क्या लॉग यू माइनस लॉग भी इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग यू बाई भी। तो मैं माइनस को पहले तो कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे हम लोग जो है लिमिट भी लगा देते हैं। लिमिट क्या था हमारा, लिमिट है हम लोगों का एन टू एस। ओके, तो लिमिट भी अप्लाई कीजिएगा। तो अब देखो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आपका आ जाता है, जैसे यहाँ पे माइनस को मैं कॉमन ले लूँ तो और एन प्लस वन को उधर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा एल एन एन प्लस वन माइनस एस डिवाइडेड बाई एस हो जाएगा, राइट। क्योंकि जैसे ही माइनस को कॉमन लेंगे ये स्वाइप कर जाएगा, ये उधर और वो इधर, फिर अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी आपका ये आ जाएगा, लिमिट हमारा एन टू एस है और इधर आपका हो गया एन प्लस वन और बीटा टी आपका पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि हम लोग माइनस को कॉमन ले चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिमिट डालोगे तो लिमिट डालने से क्या, पहले आप एस डालोगे तो एग्जैक्टली आपको यही आएगा एन प्लस वन माइनस एस बाई एस, और एन डालने से क्या होगा तो एन एन कैंसिल हो जाएगा तो आपका आ जाता है लॉग वन बाई एन। ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा एन प्लस वन आपका बीटा टी, ठीक है जी। अब देखो लॉग वन बाई एन क्या होता है, तो लॉग वन बाई एन होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं माइनस लॉग एन, ठीक है। तो माइनस लॉग इन करेंगे यहाँ पे तो ये प्लस हो जाएगा, राइट। तो प्लस होगा तो कैसा आ जाएगा, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा एल एन, ऊपर में अगेन आपका एन आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि फिर देखो लॉग यू इंटू लॉग भी हो जाएगा ना, लॉग यू प्लस लॉग भी क्या होता है, लॉग यू इंटू भी होता है, ठीक है। तो जैसे ही ये माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा ना, तो फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा एन इंटू एन प्लस वन माइनस एस डिवाइडेड बाई एस, ये पूरा चला आएगा, ठीक है। और इक्वल टू इधर क्या है, तो इधर तो आपका वही है टर्म क्या था, इस तरफ आपका है एन प्लस वन बीटा टी, बात फॉलो कर रहे हो, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि लॉग को हम लोग हटा सकते हैं, तो लॉग को आप हटा दीजिए तो आपका क्या बनेगा, तो आपका यहाँ पे बनेगा एन एन प्लस वन राइट बाई एस माइनस एन बनेगा, ध्यान दीजिएगा ना, क्योंकि एन यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और एस को एस से डिवाइड करेंगे तो वन हो जाएगा, तो मैंने अलग अलग कर दिया। इक्वल टू इधर आ जाएगा आपका ई ई का पावर एन प्लस वन बीटा टी, क्योंकि लॉग हटाओगे तो यही प्रॉपर्टी है, ठीक है जी। अब एन को आप उधर कर दो तो आपका यहाँ पे आ जाता है एन एन प्लस वन बाई एस इज इक्वल टू एन प्लस ई का पावर एन प्लस वन बीटा टी, ये आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ से जो हम लोग एस निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, देखो तो यहाँ से एस निकालेंगे तो आपका एस आ जाएगा, एस एज ए फंक्शन ऑफ टी आ जाएगा क्या, एन एन प्लस वन ऊपर में और नीचे पूरा टर्म आ जाएगा एन प्लस ई का पावर एन प्लस वन बीटा टी। तो दिस इज द कह सकते हो कि आपका एस का वैल्यू आ गया टी के फंक्शन में, दैट मीन्स दिस इज पॉपुलेशन साइज ऑफ ससेप्टिबल पर्सन एट टाइम टी। तो एग्जैक्टली देखो यही चीज यहाँ पे भी आया है, तो ये तो आपको खुद से करके लाना होता है। अब जैसे मैंने एस टी का किया है ना, वैसे ही आप जो है आई वाला का इंटीग्रेशन करके अंडर लिमिट आप क्या कर सकते हो, आई टी फाइंड आउट कर सकते हो, तो ये भी आप कर लेना। बट दोनों रिजल्ट कभी कभार एग्जाम में पूछ दिया जाता है जो काफी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, तो आप इस रिजल्ट को भी आप याद रखो, ज्यादा मुश्किल रिजल्ट नहीं है, दोनों में कोरिलेट कर लेना, ठीक है। आप देखोगे नीचे का दोनों का सेम बेस है और ऊपर में एन प्लस वन भी सेम है, बस इस एन के प्लेस में आपको ये वाला टर्म को यहाँ पे रख देना है, ठीक है, बात फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप चाहे तो अच्छे से याद रख सकते हैं, और सो दैट कि आप देखोगे कि एस और आई को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, तो एस और आई को आप ऐड करोगे तो आपको एन प्लस वन आता है, ये भी आप देख सकते हो, एन प्लस वन को कॉमन लेंगे तो आपको फैक्टर ऊपर नीचे कट जाएगा, ठीक है। तो इसको वेरीफाई भी करता है। अब अंडर लिमिट अगर मैं टी को इन्फिनिटी लगा दूं, ठीक है, टी को इन्फिनिटी लगाने से क्या हो जाएगा, एस टी का वैल्यू जीरो हो जाएगा, जैसे टी को इन्फिनिटी लगाऊंगा तो ये जीरो हो जाएगा, राइट, बचेगा क्या, तो नीचे में आपका सॉरी नीचे में इन्फिनिटी हो जाएगा, तो समथिंग बाय इन्फिनिटी आपका जीरो हो जाएगा, और इसमें अगर मैं इन्फिनिटी लगाता हूँ आई वाले में, तो इसमें इन्फिनिटी लगाने से क्या हो जाएगा, तो पहले तो आपको इसको माइनस पावर में करना पड़ेगा ना, जब आप माइनस पावर में करोगे तो नीचे में आपको आ जाएगा जीरो प्लस वन, ये आप करके देख सकते हो, तो आपको एन प्लस वन बचता है, ठीक है। तो यानी अगर मेरा बहुत लंबा टाइम तक ये चले तो मैं ये देखूंगा कि फाइनली यही होगा कि चूंकि आपको पता था कि जो सब्सेप्टेबल पर्सन है वो घटते जा रहा था, ठीक है, और सारा इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो रहा था, तो फाइनली यही होगा कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो मैक्सिमम हो जाएंगे एन प्लस वन, और उस केस में फिर मेरा ससेप्टेबल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जनरली यही होता है, अभी हम लोगों ने कोरोना वाले केस में भी देखा था कि किस तरीके से जो ससेप्टेबल पर्सन थे वो बहुत तेजी से इन्फेक्टेड पर्सन में कन्वर्ट हो रहे थे, इसी वजह से क्या हो रहा था कि जो है इन्फेक्शन काफी तेजी से बढ़ रहा था। तो इसी तरह का मॉडल आता है एग्जाम में, कोई मुश्किल नहीं है, तो आई होप आपको आप इसी तरीके से इसको कर पाओगे, ठीक है। इसमें एक जो दूसरा इंपॉर्टेंट मॉडल होता है वो है आपका क्या, वो है हमारा एस आई एस मॉडल। ओके, एस आई एस क्या होगा, तो ये हो गया आपका ससेप्टिबल
इन्फेक्टेड अगेन ससेप्टिबल पर्सन। ओके, तो देखो कोई भी एपिडेमिक में क्या होता है, बहुत आसानी से आप समझ पाओगे। अच्छा, जो हम लोग ऊपर में पढ़े ना, तो ऊपर में क्या था, ऊपर में सिर्फ हम लोग दो ही चीज पे बात कर रहे थे, एक था हमारा ससेप्टिबल और दूसरा था इन्फेक्टेड। तो आप इसको शॉर्ट में आप इसको एस आई मॉडल भी कह सकते हो, एस आई मॉडल, यानी कि इसमें क्या था, सिर्फ हम लोग बात कर रहे थे ससेप्टिबल और इन्फेक्टेड पे, ठीक है, कि इन्फेक्टेड है तो वो ससेप्टिबल भी हो सकता है। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा रिकवरी वाली बात हो रही है। जैसे आपको पता है ना, कोई भी जब एपिडेमिक आता है, बहुत बड़ी महामारी आती है, तो क्या होता है कि कुछ लोग क्या हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। जो इन्फेक्टेड होते हैं तो वो क्या होते हैं, तो फिर काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, ठीक है, उनका जो इम्यून सिस्टम है काफ़ी गिर जाता है। तो ऐसे केस में वो पूरे हेल्दी नहीं हो पाते, फिर वो किस ग्रुप में आ जाते हैं, तो अगेन वो ससेप्टिबल ग्रुप में आ जाते हैं, मतलब कि फिर से उनको ये इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो यही कहलाता है हमारा कि ससेप्टिबल था पहले, वो चांसेस थे उसमें बीमारी होने के, फिर वो इन्फेक्टेड हो जाता है, और अगेन जब वो रिकवर करता है तो फिर से वो ससेप्टिबल ग्रुप में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये मॉडल बनता है क्या, एस आई एस। तो यहाँ पे वही चीज़ है, लाइक कोरोना में वही हो रहा था, अभी आप देखोगे ना, तो आपको तो इसका काफ़ी अच्छा क्लोज एक्सपीरियंस हम लोगों को हुआ, कि जो लोग बिल्कुल हेल्दी थे वो तो ठीक ही रहे, लेकिन जिनको कोरोना हुआ तो वो अगर ठीक भी हुए तो फिर से वो इतने कमजोर थे कि उनको फिर से चांसेस थे, तो उनको ज्यादा सेफ्टी रहने के लिए बोला जाता था, राइट। तो यहाँ पे वही चीज है, देखोगे आप तो क्या है, हियर ए ससेप्टिबल पर्सन कैन बिकम इन्फेक्टेड एट ए रेट प्रोपोर्शनल टू एस आई, ठीक है। क्योंकि फिर से वही प्रोडक्ट का बात करेंगे, ससेप्टिबल और इन्फेक्टेड दोनों के प्रोडक्ट पे ही के ही प्रोपोर्शनल होता है ये ग्रोथ मॉडल में। ओके, तो जो ससेप्टिबल पर्सन है हमारा, वो क्या है, वो अगेन फिर से क्या हो सकता है, इन्फेक्टेड हो सकता है एट द रेट ऑफ एस आई, एंड इन्फेक्टेड पर्सन कैन रिकवर एंड बिकम्स ससेप्टिबल अगेन एट ए रेट ऑफ गामा आई। और जो एक इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, तो वो अगर रिकवरी करता है तो वो फिर से किस में आ जाएगा, तो जब ये रिकवरी होगा तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो ये जो कि अब इन्फेक्टेड पर्सन का रेट इससे घटेगा, ध्यान दीजिएगा, जब रेट घटता है तो माइनस साइन लगाते हैं, ठीक है, और जब रेट बढ़ता है, रेट घटेगा तो माइनस साइन, और रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, प्लस साइन, ठीक है। तो इसकी वजह से इन्फेक्टेड पर्सन के रेट में कमी आएगी, राइट। तो आप यहाँ पे एग्जैक्टली देख सकते हो कि जो इन्फेक्टेड पर्सन का पहले जो रेट था वो क्या था, वो था बीटा एस आई, अब उसमें गामा एस आई माइनस हो गया, चूंकि ये घटने लगेगा रिकवरी होने से, ठीक है। और डीएस बाई डी टी ऊपर में क्या था, ऊपर में था माइनस बीटा एस आई, चूंकि अब जो मेरा ससेप्टिबल पर्सन का क्वांटिटी है वो बढ़ेगा, ठीक है, चूंकि रिकवर होकर के लोग अगेन ससेप्टिबल होते जा रहे हैं, तो प्लस गामा आई। तो कहाँ पे प्लस लगाना है, कहाँ पे माइनस लगाना है, बिल्कुल लॉजिकली आपको याद रहेगा, ठीक है, क्लियर है। तो चलो ये हो गया, अब अगेन हम लोग यहाँ से देखते हैं, तो जो डी आई बाई डी टी है वो आपको क्या मिलता है, तो डी आई बाई डी टी आप यहाँ से इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, डी आई बाई डी टी भी निकाल सकते हो, डी एस बाई डी टी भी, चूंकि हम लोग ऊपर में देखे थे कि एस प्लस आई का सम क्या है, एन प्लस वन है, ठीक है। तो आप चाहो तो यहां से इसको हटा देना और लिख देना एन प्लस वन माइनस आई। तो यहां से देखो इसको हटा के एन प्लस वन माइनस आई लिख देंगे, और गामा है साथ में, तो गामा से आप मल्टीप्लाई करो, आप पुट करके देख लो, यहाँ पे बीटा एन प्लस वन माइनस आई इंटू आई माइनस गामा आई, तो क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा बीटा एन प्लस वन आ जाएगा, राइट, और माइनस गामा को कॉमन ले लेंगे तो सिर्फ आई कॉमन आएगा, और एक में आपका आ जाएगा क्या, एक में हमारा हो जाएगा माइनस बीटा आई स्क्वायर, तो वो अलग कर दिया गया है, ठीक है। तो बिल्कुल इसको आप पुट अप कर दोगे तो इसको पुट करने से आपका ये आ जाता है। अब अगेन यहाँ से इसको सोल्व करना कोई मुश्किल नहीं है, एक्चुअली जो मैथमेटिकल मॉडल है वो यही है, क्योंकि इसके बाद तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपका घर द्वार है कह सकते हैं, जिसको आप सिंपल इंटीग्रेशन करके सोल्व कर सकते हो, तो कोई इशू नहीं है, आप इसको इंटीग्रेशन करके सोल्व कर लेना, राइट। तो क्या चेंजेस आया, बस ये देख सकते हो आपके डी आई बाई डी टी जो उस टाइम था हमारा, ये था बीटा आई एन प्लस वन माइनस आई, और इस बार क्या हो गया, इस बार आपका हो गया है बीटा एन प्लस वन माइनस गामा आई माइनस बीटा आई स्क्वायर। यहाँ पे गामा क्या है, रिकवरी रेट है, ठीक है, कि अगर आपको कोई रिकवर कर रहा है तो वो बात समझ में आ रही है। चलो तो ये हो गया हमारा एस आई एस मॉडल। ओके, एस आई एस मॉडल में हम लोग जो है कैरियर वाला भी नंबर ले सकते हैं, चूंकि आपको पता है कि कैरियर के थ्रू इन्फेक्शन बढ़ता है ना, सो एस आई एस मॉडल विथ कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ कैरियर्स, तो कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ कैरियर का भी यूज कर सकते हो, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा मॉडलिंग आपसे नहीं पूछा जाता। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो, हियर इन्फेक्शन इज स्प्रेड बोथ बाई इन्फेक्टिव्स एंड ए कॉन्स्टेंट सी ऑफ कैरियर्स, ठीक है।
तो दोनों की वजह से बढ़ता है, इन्फेक्शन की वजह से भी और कैरियर की वजह से भी, ठीक है। तो अगर हम कैरियर का यूज़ कर लें तो जो इक्वेशन मेरा ऊपर में आया था ना, तो वहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, वहाँ पे आप सिंपल ये करेंगे कि देखो हमारा ये था ना डी आई बाई डी टी क्या आया था, ये आया था, ठीक है। तो इसमें आपका कैरियर का फैक्टर बढ़ जाएगा, तो जहाँ पे आपका इन्फेक्शन वाला था तो इस उस इन्फेक्शन वाले आई को आप हटा करके क्या कर देना, आप डाल देना आई प्लस सम कैरियर वैल्यू सी। तो यहाँ पे देखो बीटा आई प्लस सी एस हो जाएगा, माइनस गामा आई हो जाएगा। अब बस ये आपका चेंज हुआ, अब आप पूरा काम पहले जैसा करोगे, जैसा आपको पहले इसमें दिया रहता था उस एस का यूज करके आप जो है यहाँ पे इसको प्रॉपरली आई में कन्वर्ट कर सकते हो, फिर आपको वो डिफरेंट आपको वहाँ पे इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। ओके, तो ये जैसे यहाँ पे देखो आगे कंटिन्यू किया गया है कि अगर आप कैरियर के साथ में जाएंगे तो क्या होगा, सिंपल एपिडेमिक मॉडल विथ कैरियर्स। ओके, तो कैरियर के केस में क्या हो जाएगा, तो एक कैरियर यहाँ पे देखो ऐड हो गया। बाकी तो वही है, यहाँ पे भी देखो कैरियर सी आपका ऐड हो गया है, बाकी सारा सारा पैटर्न वही है। और यहाँ पे डीसी बाई डीटी जो कैरियर का रेट है वो आपको माइनस अल्फा सी लेंगे, क्योंकि उसी के पॉपुलेशन साइज पे वो डिपेंड करेगा, ठीक है ना। कैरियर क्या होते हैं, ये भी कुछ ऐसे पर्सन्स हो जाते हैं ना जो बहुत ध्यान नहीं देते और केयर नहीं करते, तो उससे क्या होता है कि उससे इन्फेक्शन काफी तेजी से बढ़ता है, तो उनको कैरियर कहा जाता है कि वो क्या कर रहे हैं, इन्फेक्शन को यहाँ से वहां तक ये कर रहे हैं, ठीक है, एहतियात नहीं करते और इसकी वजह से इन्फेक्शन काफी तेजी से बढ़ता है। तो अगेन यहाँ पे देखोगे एस टी प्लस आई टी आपका ये होगा, ठीक है, सी आपका ये हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लेकिन पूरा उसी तरीके से बन रहा है जैसा आपका ऊपर में बन रहा था। तो देखो एपिडेमिक मॉडल में, एपिडेमिक मॉडल में ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये रिमूवल वाला दे रखा है, तो रिमूवल फिर इमिग्रेशन ये सारा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो था इनिशियल वाला, सबसे पहले कि आपका जो एस आई मॉडल है जिसमें कि आपको ससेप्टिबल और जो है इन्फेक्टेड पर्सन के बीच में रिलेशन देखना पड़ता है, तो वो, और उसके बाद थोड़ा अगर आपका यूज हो सकता है तो उसमें वो कि ससेप्टिबल अगेन अगर इन्फेक्टेड होता है तो इन्फेक्टेड के बाद अगेन वो एस आई एस मॉडल में कन्वर्ट होगा, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये सब आई होप आपको समझ में आ गया है, बहुत मुश्किल नहीं है, रिजल्ट याद रखना, और डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर सोल्व करना पड़ा तो आप वो कर पाएंगे, बट एमसीक्यू में आपको सिंपल क्वेश्चन पूछता है, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं पूछता कि जिससे आपको परेशानी हो, जो कि हमको विद इन द मिनट उसका आंसर देना पड़ता है, राइट। तो ये आपको पीडीएफ पूरा मिल जाएगा, पीडीएफ के लिए आपको वरीड नहीं होना है, वहां से आप इसको देख पाओगे। और आई होप आपको ये काफी लेक्चर समझ में आ गया होगा, इजी था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा चैनल पहले या सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरा पूरा कोर्स करना चाहते हो ना, तो पूरा कोर्स एप्लीकेशन में लगा हुआ है, लाइक आप हायर मैथमेटिक्स में लीनियर एलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा, गेट का एग्जाम दे रहे हो, आप सीएसआईआर नेट का एग्जाम दे रहे हो, पीजीटी झारखंड की तैयारी कर रहे हो, केबीएस एनबीएस की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, तो सबके लिए वहाँ पे अलग अलग कोर्स लगा हुआ है, काफी सिस्टमेटिक पीडीएफ, एमसीक्यूज, कंटेंट क्लैरिटी और डाउट क्लैरिटी के साथ में, तो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा, अपने टच में रह पाओगे। तो वहां से आप जाके कोर्स को बाय कर सकते हो, ठीक है, अपने ऊपर खर्च करो, कुछ पढ़ो, पढ़ के जाओगे, तैयारी करके जाओगे, तो डेफिनेटली एग्जाम मुश्किल नहीं होता, आप एग्जाम में खुद ब खुद काफी आसानी से क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। थैंक यू।